हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रेसिपी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये है मेरा बेटा, जैसे आप देख रहे हैं, देखो खिड़की पे चढ़ा, देखो देखो बदमाशी, देखो इसका किसको बुला रहा है उधर, कौन बुला रहा है? ओ तारा दिखा रहा है रे बंदर। इधर देखो, इधर बाय करो, बाय हाय करो, हाय लव यू मिस यू किस यू। अरे बाबू किस यू, वन टू थ्री एंड गो। नहीं बेटा जंप नहीं करना, गिर जाएगा बिट्टू ने, नहीं सुना नहीं। और ये है मेरा भाई जिसका नाम शुभम है, तीसरे नंबर पे है। तो अभी ये जस्ट आया है, पापा के साथ काम करता है, मतलब घर में ही है कंपनी, आपको दिखाई। पापा के साथ बहुत मेहनत करता है, अभी आया है ये नहा के। ये होगा ना, हिलाना मत बाबू, तुम ऊपर हिलाना मत, ठीक है? रुको, अभी तो हम किए भी नहीं है, अभी चेक कर रहे हैं। देखिए हो गया, बस हो गया, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग गए थे इसका नाक छिदवाने, क्योंकि अगली वीडियो मेरा व्लॉग ना ख़राब कर रही थी, बहुत रो रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो सोचिए आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से बंदूक से नाक छिदाए जाते हैं। तो अब हम लोग घर की तरफ निकलने वाले हैं और घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, होली का तैयारी करना है। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, शाम के 6 बज गए हैं फ्रेंड्स। हम घर आ गए हैं और यहाँ देखिए हम काम में लग गए हैं। तो यहाँ पे उड़द दाल को भिंगवाने के लिए छोड़ दिए थे, तो ये अच्छी तरह से फूल गए, देखिए कितनी अच्छे से फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। तो हम इसका जा रहे हैं फाइन पेस्ट बनाने के लिए, मतलब हल्का सा दर्रा, ज़्यादा फाइन पेस्ट भी बनाना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर दही बल्ले जा रहे हैं बनाने के लिए, तो आज आप आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं घर में कैसे हम दही बल्ले बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए जार में ले लिए हैं, थोड़ी सी पानी दे दिए हैं और इसका जा रहे हैं पेस्ट बनाने के लिए। तो हल्का दरदरा करना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बना, देखिए इस तरह से पानी फिर दे दिए हैं और इसका फिर पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़े थोड़े पानी दे के अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे ताकि अच्छी तरह से हो जाए। और यहाँ पर देखिए पेस्ट बन गए हैं, निकाल लिए हैं हम सारे को, इसी तरह पीस लिए हैं, जा रहे इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी मेरी बनाने जा रही है दही बल्ले। तो ये देखिए गरम तेल हो गए हैं और इसमें ये दे करके सारे इसी तरह बड़े दे देंगे और इसको दोनों तरफ से पलट लेंगे ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए हमारी ब्राउन हो गए हैं दही बड़े बड़े हमारे। तो अब इसे हम निकालेंगे, इसे गर्म पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए गर्म पानी पहले से कर रखे थे और इसमें डालते जाएंगे इसी तरह बड़े को छान छान के। तो जिस तरह से मेरे घर में बनते हैं मैं उसी तरह शेयर कर रही हूँ आपके साथ, फिर दूसरी भी इसी तरह सारे बड़े को इसी तरह हम बना लेंगे। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हूँ, बना रही है, तो बस मैंने खाली पीसा है। तो ये देखिए मम्मी कितने अच्छी तरह से फूल के बड़े बड़े हो गए हैं और इसे गर्म पानी में डाल देंगे। सारे बड़े को इस तरह ले लेके गर्म पानी में इस तरह डाल लेंगे। इससे क्या है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और मुंह में जाते ही ना घुल जाते हैं। ऐसे ये ट्रिक है, देख लीजिए आप लोग। तो गर्म पानी में डालने के बाद क्या करेंगे हम, आगे आप वीडियो देखिए पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बड़े को हम गर्म पानी से निकाल लिए हैं और देखिए अब जा रहे हैं दही में इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और दही का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर दही को अच्छी तरह से हाथों से तोड़ रहे हैं, जैसे क्या है ना एक पत्थर पत्थर जैसा बन जाता है ना, तो उसे हाथों से तोड़ के इसका अच्छी तरह से और वो बना लेंगे, रस बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लिए हैं, ग्रेवी हो जाएंगे।
और यहाँ पे देखिए हमारे दही में जा रहे हैं बड़े, तो सारे बड़े को इस तरह डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और इससे ऐसे बनाने में ना बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ही मुंह में जाते ही ना घुल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे बड़े को दही में डाल देंगे। आप लोग की तरफ कैसे बड़े बनते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरह बड़े बनते हैं, गोल गोल और इस तरह से बनाते हैं। थोड़ी सी नमक दे दिए थे बड़े में ताकि थोड़ी नमकीन नमकीन लगे, और थोड़ी पाउडर दे दिए थे मिर्च का जिससे थोड़ा है ना चटपटा लगे। तो देखिए इस तरह से दिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसी तरह बड़े बनाते हैं हम लोग घर में। और भी बहुत तरह से बड़े बनते हैं लेकिन सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने का। तो हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही वीडियो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और यहाँ पे देखिए बड़े हमारी बनके तैयार है, तो हम जा रहे हैं फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए लाल मिर्च पाउडर हमने घर में बनाया है अच्छी तरह से फ्राई करके घर में, और जीरा पाउडर भी। तो पाउडर जो होते हैं मसाला घर में बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जीरा पाउडर दे रहे हैं दही बड़े में, तो जा रहे हैं सर्व करने के लिए। और काले नमक दे रहे हैं, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो आप जा रहे हैं हम यहाँ सर्व करने पापा को। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिएगा घर में। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा घर में, तो आपको दिखाते हैं काट के कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कट गए हैं, कहीं भी कड़े नहीं हैं, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनी है। और दही में देखिए बहुत ही एक जैसा लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।